हवा चल रही है मस्त गजब। मंदिर 1200 वर्ष के लगभग पुराना okay, है। 1200 सीन देख रहे हो? ओह गजब 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 तो वाह। रुकने वाले खाए जाने वाले के मुंह में पानी आए ऐसी हवाई गर्मा गर्म। अरे वाह तो हेलो जी गाइस, आज हम आ चुके हैं गाइस। कहाँ पे आए अपन? बालाजी महाराज के। और वैसे हम ढूंढते ढूंढते आए थे भोमिया जी का मंदिर, जो कि बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, कालवा रोड से आगे जोबने रोड पे ये पड़ता है। और वहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे जोबने बन रखी है उधर मस्त। ये बारिश के टाइम में पूरी बढ़ जाती है गाइस अभी। हाँ, और यहाँ देखे पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी। हवा चल रही है मस्त गजब। बहुत अच्छा मंदिर और बहुत अच्छी जगह। तो गाइस कालवा रोड से जोबनेर की तरफ आप जाएंगे तो जोबनेर का जो टोल टैक्स आता है उसके कुछ ही देर बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक गेट दिखेगा, अपन को उसी गेट में चलना है। ओके, तो गाइस ये गेट आएगा मेन रोड पे, आपको इस गेट से अंदर जाना है। इसी गेट को हम ढूंढ रहे थे काफी टाइम से और ये हमने गाड़ी मोड़ी। और ये कौन सा गांव है? बस्ती। ये बस्ती गांव है गाइस अंदर की तरफ। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको आगे के नजारे। ओ भाई साहब रास्ता देखो क्या शानदार रास्ता है, क्या शानदार रास्ता है। बस दोनों तरफ हरियाली और बीच में रोड। सीन देख रहे हो? ओ गजब 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 तो वाव गजब नाइस। मतलब गांव में एक अलग ही रौनक, अलग ही रौनक मिल जाती है, हरियाली आ जाती है पूरी मस्त हरियाली पूरी। तो गाइस जयपुर के काफी हिडन प्लेसेस अगर आपको देखने हैं तो बने रहिए हमारे चैनल पे। ओ किसका देखो कितना शानदार लग रहा है, ये पानी भी नीचे, ये पता ऐसा लग रहा है जैसे पानी भी है। हाँ पानी भी और नदी बह रही है नीचे तो। वाह नदी भी मिल गई हमें साथ में। तो ये एक और गेट है जहाँ पे हम एंट्री करने वाले हैं। ओ शिवालय, क्या बात है। हाँ मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है, शिवालय मंदिर गाइस। जय हो भोलेनाथ भगवान की जय हो। तो गणेश जी का मंदिर है। हाँ बहुत अच्छा बनाया हुआ है, दोनों ऑप्शन है। गणेश जी महाराज जय हो। तो गाइस मंदिर के साइड से एक रास्ता जा रहा है नीचे की ओर, तो उस रास्ते पे हम चल दिए। हमें यह मंदिर दिख रहा है तो हम देखे यहाँ भी हम दर्शन कर आते हैं। तो गाइस मंदिर बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। एंड दिखाते हैं अभी आपको, चलते हैं और आपको भी कराते हैं इस मंदिर के दर्शन। देखो अभी पोए लेके निकलेंगे, यहाँ रेडी खड़े हैं फोटो वोटो खिंचाने के लिए। रेडी ओके? ये लो आवाज आ गई, ये पोए बन गए, आपको दिखाते हैं। मम्मी ने जो पोए, ओहो पोए बनाए ऐसे प्याज काट के मस्त नमकीन नमकीन। तो गाइस ऐसी जगह पे आके घर के पोए बना के ला के और यहाँ पे सर्व करके खाने का गाइस अलग ही मजा है।
ऐसी जगह पे खा के। ओ भाई नाइस। बाहर गाइस ऐसी जगह पे ऐसी मौसम में खाना मतलब यार मजा आ जाता है। मतलब पोहे का टेस्ट जो है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपने वैसे कभी पिकनिक पे पार्टी की है तो जरूर बताना। हम तो कई बार करते हैं, जहाँ भी आते हैं वहाँ पे ही लेके जाते हैं। नहीं मिल नहीं, घर पे नहीं बनाते तो फिर बाहर से मिलते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे जाके जरूर खाते हैं। कैसे लगे पोहे? ओ खुद के बनाए पोहे, खुद की तारीफ कर रहे हैं, बताओ। गाइस आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी पे फैट गए हैं। बंदर जी उठ जाइए। तो गाइस एक और गया 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 गया। डैडी ये क्या बात, डैडी आपके पत्थर से चला गया। ओ कुत्ता भी आ गया अब तो। गाड़ी में बैठो फटाफट से निकलो जल्दी से यहाँ से, नहीं तो भाई बंदरों का अटैक हो जाएगा हमारे ऊपर। ये देखो मम्मी की लकड़ी उधर पड़ी, ये मेरी इधर। मैं पीछे कर रखा था इसको। ठीक है डॉगी, बाय बाय। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं यहाँ के एक फेमस मंदिर जो कि मेन जोगनेर में है, माता जी का मंदिर। तो ज्वाला माता जी का मंदिर है। माता के मंदिर से पहले गाइस आपको यहाँ मार्केट दिख जाएगा, आपको कुछ सामान लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको प्रसाद की भी बहुत सारी दुकानें दिख जाएगी जहाँ से आप माता के लिए प्रसाद ले सकते हैं। तो गाइस माता के मंदिर के लिए चढ़ाई ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ की चढ़ाई जो है वो बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। एंड देखते हैं आगे गाइस कितनी चढ़ाई मिलती है हमको आगे। तो जो मेरे माता से पहले प्रथम पूजा इनकी होती है। अभी तो गाइस मेन गेट आया है चढ़ाई का, मतलब चढ़ाई अभी काफी बाकी है यार। तो गाइस हम आए हैं जोबनेर के माता जी और बहुत ही कड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, खतरनाक चढ़ाई है। जोर से बोलो सारे, बोलो पीछे वाले, बोलो जय माता की, आगे वाले बोलो जय माता की, मिलके बोलो जय माता की। वाओ बहुत प्राचीन मंदिर है। और अभी मैं आपको महाराज जी से मिलाऊंगा और वहाँ पे आपको बताऊंगा यहाँ की जो पूरी हिस्ट्री है कि कितने साल पुराना ये मंदिर है, यहाँ पे ये मंदिर कैसे बना, और हर चीज़ बताऊंगा आपको इस बारे में, मंदिर कब खुलता है कब बंद होते हैं। तो चलिए आपको महाराज जी से मिलाते हैं और पूरी हिस्ट्री जानते हैं इसके लिए। ओके तो महाराज जी आप हमें बताया कि ये मंदिर कितने साल पुराना है और यहाँ पे ये मंदिर कैसे बना, यहाँ की हिस्ट्री क्या है? ये मंदिर लगभग 1200 वर्ष पुराना है। मंदिर 1200 वर्ष के लगभग पुराना okay, है 1200। और ये जो सती हुई थी तो उनका रूप है यहाँ माता जी का। यहाँ घुटने की पूजा होती है, घुटना निकला हुआ है माता ओके घुटना ही निकला हुआ है माता जी का, घुटने की पूजा होती है, घुटने की पूजा होती है यहाँ पे। ओके 12 साल पुराना मंदिर बताया आपने, और क्या है अपने यहाँ पे मंदिर के टाइमिंग क्या रहती है? मंदिर की टाइमिंग सुबह 5 बजे खुलता है गर्मियों में, रात को 9 बजे तक बंद होता है, और सर्दियों में सुबह 5 बजे रात को 8 बजे तक। ओके यहाँ की जो, हाँ जी बताएं। देश के यहाँ लाखों यात्री आते हैं देश के कोने कोने से, ज्यादातर दिल्ली दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र के, और इधर आसपास में राजस्थान के दौसा महुआ बालाजी मेहंदीपुर बालाजी सब अलवर भरतपुर के ज्यादा यहाँ। ओके तो जैसे माता जी यहाँ पे है तो इनके लिए जैसे कोई एक ऐसा दिन आता है जो अपने यहाँ पे मेला वेला लगता हो शायद, मैंने सुना था यहाँ मेला लगता है शायद, आई थिंक बहुत भीड़ होती है। चैत्र मास में पूरे 1 महीने तक मेला लगता है, और आसोज के नवरात्रों में दो, एक साल में 2 बार मेला लगता है। एक साल में गाइस 2 बार मेला लगता है, तो आप अगर मेले में आना चाहे तो आप आ सकते हैं मेले में। और यहाँ की टाइमिंग आपको बताई थी महाराज जी ने, तो यहाँ पे आए। और जिसको ये मंदिर नहीं पता, बहुत अच्छा मंदिर है। और कौन सी जगह है प्लेस लोकेशन? जयपुर के, जयपुर से 50 किलोमीटर दूर जोबनेर गांव पड़ता है, इसमें मेन जोबनेर में, मेन जोबनेर में पहाड़ी पर स्थित। ओके गाड़ी वगैरह तो सर नीचे खड़ी होगी ना? गाड़ी सब नीचे होती है, अभी 4-व्हीलर का रास्ता बन रहा है, कुछ समय बाद में बन जाएगा।
आने वाले टाइम में गाइस जो फोर व्हीलर का रास्ता है वो भी यहाँ पे बन जाएगा, तो आप बाद में फोर व्हीलर भी आके यहाँ पे ला सकते हैं। और कौन कौन से मंदिर हैं बाहर? मैंने देखा एक दो मंदिर और है बाहर। बाहर भैरव जी का मंदिर है और शिव जी का मंदिर है, बालाजी का सब। ओके ओके। अच्छा एक और, जैसे यहाँ पे माता जी है और मैंने नीचे देखा आते वक्त एक और मंदिर था, शायद हनुमान जी का मंदिर था, दानवगत का मंदिर। हाँ, तो उन्होंने बताया कि प्रथम पूजा वहाँ होती है पहले, है ना। ओके, तो गाइज बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत अच्छी लोकेशन पे बना हुआ मंदिर है, आप यहाँ आए क्योंकि ये मंदिर ऐसी लोकेशन पे आपको बहुत खुश कर देगा। माता जी के दर्शन करने के बाद कौन खुश नहीं होता। तो जय माता दी, जय माता दी। माता जी का मंदिर पहाड़ पे ना हो, आपको मेहनत ना करने पड़े, ऐसा हो ही सकता। तो गाइस बहुत ही अमेजिंग लोकेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग लोकेशन, पूरा शहर दिख रहा है जहाँ से, इतना शानदार मंदिर है यहाँ पे। तो आप जोबनेर जब भी आ रहे हो या इस साइड आ रहे हो तो माता जी के जरूर आइएगा, और बहुत बहुत अच्छा पूरा शहर दिख रहा है। ओह, ये देखो डैडी का कैमरा भी स्टार्ट हो गया। तो गाइस लोकेशन ही ऐसी है कि बस देखो। तो गाइज ये जो रास्ता बन रहा है ये गाड़ियों का रास्ता है, वैसे हो सकता है शायद कुछ सालों में चालू हो जाए कार का रास्ता यहाँ से भी, तो आप गाड़ी भी ऊपर लेके आ सकते हैं। एंड बहुत ही प्राचीन मंदिर और बहुत ही शानदार मंदिर गाइज, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ। ओ भाई साहब, बाकी मुझे कचोरी गरम नहीं है, बड़बलते खाओ, मुंडा बड़े तो घूमते के खाओ। रुकने वाले खाए जाने वाले के मुंह में पानी आए, ऐसी है भाई गरमा गरम। अरे वाह, कितने की भैया? दस रुपए की मात्र। भैया बता रहे, टेस्ट करके देखो, एक खाओगे खाते रह जाओगे। गरम है, घर से बना के लाता हूँ। घर की बनी हुई कचौरी मिल रही है यहाँ पे, ओ चटनी मीठी वाली दोनों मिल रही है। टेस्ट करो, देखा टेस्ट करके मेरे को बताओ कैसा है। कचौरी समोसे गरमा गरम कैसा लगा? तो गाइस गाड़ी हमको बताया गया यहीं खड़ी कर दो, बट आप आगे भी ले जा सकते हो, रास्ता है पूरी गाड़ी का, तो आप गाड़ी भी आगे ले जा सकते हो गाइस। तो इसी के साथ गाइस करते हैं ब्लॉग को एंड और मिलते हैं आपसे एक नई लोकेशन पे। तब तक के लिए आप लाइक कमेंट शेयर और कमेंट जरूर करना है गाइस, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।